अच्छा, राजद्रोह की जो धाराएं लगाई तो आपको क्या लगता है कि सही है? राजद्रोह की धारा अगर मेरा व्यक्तिगत विचार अगर मानेंगे तो नहीं है सही, क्योंकि प्रदेश में भगवान राम को भी गाली दिया गया। भगवान राम को जब गाली दी गया तो जो ब्रह्मांड के रचयिता हैं, ये तो देश के रचयिता थे, वो ब्रह्मांड के रचयिता थे, तो उनके ऊपर राजद्रोह का धारा क्यों नहीं लगा? और ये एक संत है, संत के ऊपर राजद्रोह का धारा मैं कहीं से भी उचित नहीं मानता उनके ऊपर। प्रशासन अपनी कार्रवाई करे जो मंच से कहें, पर एक उचित कार्रवाई करे, ऐसा अनुचित कार्रवाई मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। आपको क्यों अपनी पार्टी से इस्तीफा देना पड़ गया? क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे धर्म को राजनीति से जोड़ा जा रहा था। मेरे लिए शुरू से पहले धर्म रहा, बाद में राजनीति रहा। मैं राजनीति में भी आया तो हमेशा अपने समाज, अपने धर्म के लिए, समाज के लिए काम करता रहा। तो जब देखा कि यहाँ पे कंटिन्यू चर्चाएं हो रही सभी नेताओं के बीच में, कि ये एनसीपी के राष्ट्रीय सचिव हैं, युवा राष्ट्रीय सचिव हैं, और कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ मिल करके ये आयोजन को करके सुनियोजित है, संत समाज और सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु ऐसा कुछ भी इस आयोजन में नहीं था। ये जो धर्म संसद थी उसमें सीएम भूपेश बघेल के भी आने का प्रोग्राम था, तो क्या उसके बाद उनका प्रोग्राम रद्द हो गया था? जी, उनका 6 बजे के आने का था कि 6 बजे वहाँ पर आएंगे, पर वो उनके नहीं आने का हमको कोई ऐसा भी कारण पता नहीं चला कि किस कारण से उनका अचानक से कैंसिल हो गया था। पर जहाँ तक मुझे लगता है कि कालीचरण महाराज जी के वक्तव्यों के बाद उनका वहाँ पे आना कैंसिल हुआ है। अच्छा, ये करीब कितने बजे कालीचरण महाराज का जो वक्तव्य हुआ था? लगभग 5:30 बजे उनका वहाँ वक्तव्य हुआ था, और 6 बजे सीएम का आने का। जी जी, 6 बजे सीएम साहब का आने का था, उसके बाद उन्होंने कैंसिल कर दिया। जी जी जी।